नमस्कार, मैं हूं माही सिंह। आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हमारे नेक्स्ट नाइन परिवार की तरफ से। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, मायावती ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है और उन्होंने साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है और ये कहा है कि देश आज़ाद तभी होगा जब देश में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पर बात होगी। जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनके लिए सही सुविधाएँ दी जाएंगी और सही कदम उठाए जाएंगे। क्या वाकई में हमारा देश अभी अगर इन मुद्दों पर देखा जाए तो क्या आजाद नहीं हुआ है? आजादी के इतने साल, 78 साल होने के बावजूद भी अभी भी देश में इस तरीके की गतिविधि होना, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और अन्य वर्गों को नौकरी में, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये सब भारत वर्ष के लिए आने वाले दिनों के लिए मुश्किल का काम है? मायावती ने यही आवाज उठाई है। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद लगातार ऐसे तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है कि इसका जो चुनावी फायदा है कितना देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए चुनावी फायदा बिल्कुल देखने को मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद मायावती जिस तरह से अब एक बार फिर से कमबैक उत्तर प्रदेश की राजनीति में करती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि अब इस तरह से लोगों के हितों की बात करना, दलितों की बात करना, यहाँ पर पिछड़ों की बात करना, महंगाई को लेकर बोलना, बेरोजगारी को लेकर बोलना, तमाम ऐसी चीजों के बारे में बोल के अगर मायावती को यहाँ पर कुछ वोट मिल जाते हैं, लोगों का समर्थन मिल जाता है, तो वो बहुत बेहतर होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए और खुद मायावती के भविष्य के लिए। क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती पार्टी हारती हुई नजर आई और उसके बाद जो किरकिरी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष भी तमाम सवाल या निशान खड़े करता हुआ नजर आया, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है क्या मायावती वापस जिस तरह से कमबैक करने की कोशिश कर रही है तो कुछ सीटें यहां से निकाल पाएंगी या नहीं, और अगर सीटें निकाल लेती हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आती है, या फिर कहीं ना कहीं इस इन चुनावों में जीत हासिल करके आगे किसी पार्टी से गठबंधन करेंगी। तो ये तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं जिनका खुलासा धीरे धीरे आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में जिस तरह से आकाश आनंद की वापसी के बाद पार्टी को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है, तो बेशक मायावती उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। माई जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती तमाम मुद्दों को उठा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बार जनता को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण भी तमाम मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आजाद भारत में इस तरीके की तस्वीरें आना, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, तमाम ऐसी गतिविधियां हो रही हैं समाज में जिसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सरकार को एक बार उस पर विचार जरूर करना चाहिए। मायावती की ये मांग भारतीय जनता पार्टी मानेगी या नहीं मानेगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन उनकी मांग कितनी सही है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।